यहाँ पे आए हुए तमाम साथियों को मेरा क्रांतिकारी इस्तकबाल, जय भीम और लाल सलाम। और आज बहुत खुशी होती है ये देखते हुए कि आज ये जो लड़ाई हमने जेएनयू से शुरू की है, ये सिर्फ जेएनयू तक सीमित नहीं है, ये पूरे देश में जा चुका है। और आज जो पब्लिक एजुकेशन जो सेव करने की मॉडल है, ये जो लड़ाई है, ये सिर्फ आज जेएनयू तक सीमित नहीं है, ये आईआईटी, एम्स, सारे जितने आईआईटी है हमारे कंट्री के, जितने भी एम्स है हमारे देश में, जितने भी पब्लिक फंडेड एजुकेशन है, जितने भी प्राइवेट इवन यूनिवर्सिटीज है, वहाँ से सॉलिडरिटी जिस तरीके से आ रहा है, एकदम ये बहुत अच्छी बात है कि लोग ये बात समझ रहे हैं आज कि जो सरकार का एकदम फंडिंग होना चाहिए शिक्षा के तरफ, शिक्षा के सेक्टर में, वो एकदम बढ़ना चाहिए, ना कि घटना चाहिए, जो सरकार इस टाइम पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू करना चाहता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आए हुए मौजूद जितने भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन से, आईआईटी से, एम्स से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, आयुर्वेद कॉलेज उत्तराखंड, सबको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी कि आज अगर ये जेएनयू 28 दिन से सर्वाइव कर पा रहा है, तो आपके हर एक कोने से आए हुए सॉलिडरिटी के वजह से जेएनयू अकेले ये लड़ाई अकेले कभी नहीं लड़ पाती, अगर आपके तरफ से ये सॉलिडरिटी नहीं आ पाता। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि जेएनयू जब बनाया गया था वो काफी एक एलिटिस्ट यूनिवर्सिटी था, और इसमें मैं एक बार झिझक भी नहीं करूंगी बोलने से, लेकिन जेएनयू के स्टूडेंट्स ने इसको एकदम बोला कि जो इस यूनिवर्सिटी को बनाया गया है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से, जो काफी जो स्टूडेंट्स आते हैं वो एक पर्टिकुलर सेक्शन से आते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। जेएनयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जब छात्र पढ़ने आएंगे वो है हर एक जगह से होगा, हर एक सेक्शन से होगा। और आज 50 साल बाद भी जेएनयू एक लिविंग एग्जाम्पल है इस देश का कि कालाहांडी के उस जगह से जिसका नाम चाहे तह तक लोग सुने नहीं होंगे इस देश में, वहां से एक लड़का पढ़ के पीएचडी निकाल के असिस्टेंट प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। केरल के गांव से जो शायद तिरुवनंतपुरम पहुंच नहीं पाता है, लेकिन दिल्ली शहर में जेएनयू पहुंच के अपना डिग्री लेके दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स है तमाम सारे उस जगह से। जब हमारे देश में ज्योग्राफिकल लोकेशन लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन नागालैंड से, मणिपुर से, मिजोरम से, तमाम सारे उन स्टेट से जेएनयू में आज स्टूडेंट्स पढ़ के अपना पीएचडी का खत्म करके इस देश में काफी तमाम से कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, चाहे वो रिसर्चर्स हो, तो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो एकेडमिशियंस हो, पॉलिटिशियंस हो, कुछ भी। और आज जेएनयू ये लड़ाई जब लड़ रही है तो एक बात के लिए लड़ रही है कि ये लड़ाई जेएनयू के दीवारों तक सीमित नहीं है। आज ये लड़ाई सिर्फ जेएनयू के लिए नहीं लड़ा जा रहा है, ये लड़ाई पब्लिक एजुकेशन को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई मालदा में बैठे हुए यूनिवर्सिटी के लोग लड़ रहे हैं, ये लड़ाई दार्जिलिंग में बैठे हुए स्टूडेंट्स लड़ रहे हैं, ये लड़ाई असम में कॉटन यूनिवर्सिटी में लोग लड़ रहे हैं, ये लड़ाई गुजरात यूनिवर्सिटी में भी लड़ी जा रही है। और अगर आज जेएनयू के पास वो प्रिविलेज है, तो जेएनयू ये प्रिविलेज का यूज करते हुए इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएगा, और इस बात के लिए बढ़ाएगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जैसे डॉक्यूमेंट्स इस देश में नहीं चलेगा, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये बोला जा रहा है कि सारे जो पब्लिक संस्थान है उनको बंद करवा दिया जाए, उसको प्राइवेट हाथों में बेच दिया जाए, वहां पे जितना हॉस्टल की किराया है उसको बढ़ाया जाए, जो टीचिंग है उसको प्राइवेटाइज किया जाए। और इस आइडिया को हम नहीं मानते, हम नहीं मानते और हम नहीं मानते, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो शिक्षा है वो सबके लिए है, शिक्षा सबके अधिकार है और वो अधिकार सबको मिलनी चाहिए। और इस लड़ाई के लिए आज ये लड़ाई जेएनयू में जो शुरू हुई है, ये पूरे देश में जाएगा, और तमाम सारी यूनिवर्सिटी जो पिछले 28 दिन से हमें एकदम सपोर्ट कर रहे हैं, उनको मैं एक और बार तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी। तमाम सारे जो लोग आज शायद दिल्ली में नहीं आ पाए, उनको मैं बताना चाहूंगी कि जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के तरफ से हमने 27 तारीख को एक नेशनल प्रोटेस्ट डे का कॉल दिया है शिक्षा को, अफोर्डेबल शिक्षा को बचाने के लिए। तो आप लोग से अनुरोध है, आप शहर के जहाँ पे भी इस देश के कोने में हो, एक प्रोटेस्ट करके इस सरकार को बताया जाए कि सरकार के जुमले और नहीं चलेंगे, इस देश के छात्र डिसाइड करेंगे अब सरकार में कौन आएगा। जब देश में इतना युवा है तो वो अपनी राजनीति खुद चुनेंगे, अपनी पॉलिसी डॉक्यूमेंट एजुकेशन का खुद बनाएंगे,
और सरकार यहाँ पे आके अदानी अंबानी रिपोर्ट देके हमें नहीं बोलेगा कि उसका क्या शिक्षा में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। इस देश का युवा डिसाइड करेगा कि शिक्षा में कितना बजट होना चाहिए। इस देश का युवा जो है वो डिसाइड करेगा कि शिक्षा का पॉलिसी डॉक्यूमेंट, इस शिक्षा का इंस्टीट्यूशन में पॉलिसी डॉक्यूमेंट क्या होगा। इसके साथ मैं अपना बात खत्म करना चाहूंगी। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद।